गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन की लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 1.13A, जो कि फोकस्ड है गेट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल 2003 में आया है और ये कहता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज एन मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी, इस टर्म को जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आप याद रखिए, पी आयरन लॉस इज इक्वल्स टू पी कॉपर लॉस ऑफ 90% एट फुल लोड। जैसे ही ये दिमाग में आता है तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड यूनिटी पावर फैक्टर। व्हाट इज द एफिशिएंसी एट हाफ लोड एट द सेम पावर फैक्टर इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। देखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, इट इज एक्स इंटू वी टू इंटू आई टू एफ एन टू इंटू कॉस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वी टू आई टू एफ एन इंटू कॉस फाइव प्लस पी आयरन प्लस पी कॉपर। और पी कॉपर को आप कभी कभी लिखते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ द पी कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू एस नॉट कॉस वाई। एस नॉट इज टू वी इंटू वाई, दैट इज रेटेड, दैट इज रेटेड केवीए। ठीक है ना, इट इज एक्स इंटू एस नॉट कॉस वाई पी आयरन प्लस पी कॉपर। एज पर गिवन क्वेश्चन अपने को एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, इट इज 0.9। एक्स कितना है 1, एस नॉट दिया नहीं है, पावर फैक्टर कितना है 1, इट इज 1 इंटू एस नॉट इंटू 1 प्लस पी आई प्लस पी आई, बिकॉज मैक्सिमम एफिशिएंसी पर पी आयरन लॉस पी कॉपर लॉस की इक्वल होता है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 इज इक्वल्स टू एस नॉट डिवाइडेड बाय एस नॉट प्लस 2 PI। पी आई इज इक्वल्स टू, इट इज 0.056 टाइम्स ऑफ द एस नॉट। इस कंडीशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें निकालना है द मैक्सिमम द एफिशिएंसी एट हाफ लोड। हाफ लोड पे निकालना है तो वी कैन से एट हाफ लोड एफिशिएंसी इज एक्स इंटू एस नॉट कॉस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एस नॉट कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ द पी कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। हाफ लोड के लिए इट इज 1/2 इंटू एस नॉट इंटू पावर फैक्टर इज अगेन 1, इट इज 1/2 इंटू एस नॉट इंटू 1 प्लस पी आई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू पी आई। यहाँ कॉपर लॉस एट फुल लोड को पी आई से लिख दिया क्योंकि ऊपर जो कंडीशन दी थी मैक्सिमम एफिशिएंसी की वो किस पर दी थी, फुल लोड पर। तो पी आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ द कॉपर लॉस, पी आई इज इक्वल्स टू एक्स इज 1 कॉपर लॉस एट फुल लोड। दिस इज द कंडीशन जो हमने ली थी मैक्सिमम एफिशिएंसी से। तो पी आई मैंने पुट कर दिया कॉपर, मतलब ये मैंने पुट कर दिया पी आई के ऊपर। सॉल्व करते हैं इसको, इट इज 0.5 एस नॉट, दिस इज 0.5 एस नॉट प्लस इट इज पी आई प्लस 0.25 पी आई, इट इज 0.5 एस नॉट, 5 एस नॉट प्लस 1.25 टाइम्स ऑफ द पी आई। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.5 एस नॉट 1.25 इंटू 0.056 टाइम्स ऑफ द एस नॉट। एस नॉट से एस नॉट कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, इट इज कितना
87.8%. So the answer is 87.8 D. ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है, दिस इज आस्क्ड इन 2006। इस क्वेश्चन में बेसिकली इट इज ए कॉमन डेटा और क्वेश्चन, और अपने को इसको सॉल्व करना है। तो डेटा दे रखा है, इट इज 300 KV ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी 95 एट फुल लोड हैविंग ए पावर फैक्टर दिस एंड 96% एट हाफ लोड पावर फैक्टर दिस। बहुत सिंपल है, पहले भी कर चुके हैं। सो एफिशिएंसी इज एक्स इनटू V2 इनटू I2 cos phi डिवाइड बाय एक्स इनटू V2, दिस इज फुल लोड इनटू cos phi प्लस PI प्लस h स्क्वायर टाइम्स ऑन द कॉपर लॉस। इट इज 0.95 एंड फुल लोड के लिए 1 हो जाएगा। और ये जी आपकी रेटिंग दे रखी है 300 इंटू 10 to the power 3 इंटू पावर फैक्टर इज 0.8, हियर इट इज 1 इंटू 300 इंटू 10 to the power 3 इंटू 0.8 प्लस PI पी कॉपर लॉस एट फुल लोड। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो PI प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड निकल कर आएगा 12.63 किलोवाट। केस वन। नेक्स्ट केस में एफिशिएंसी कितनी है, 96% और हाफ लोड जीरो टू पावर फैक्टर। केस नेक्स्ट केस में एट हाफ लोड एक्स इज 1/2, सो इट इज 0.96 1/2 इंटू 300 इंटू 10 to the power 3 इंटू 1/2 इंटू 300 इंटू 10 to the power 3 इंटू 1 प्लस PI प्लस 1/2 होल स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद कि आयरन प्लस 0.2 pi कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल्स टू 6.25 किलोवाट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लीजिए तो जो कॉपर लॉस एट फुल लोड निकल कर आएगा, इट इज 8.51 किलोवाट एंड आयरन लॉस इज 4.12 किलोवाट। नेक्स्ट हमें निकालना है, इसमें यह था कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस कितना आ गया, 8.5 एंड 4.12। तो इट इज 8.5 एंड 4.12 द सी इज द आंसर। इसी का एक पार्ट बी है, जो कि क्योंकि कॉमन डेटा था तो नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का आ रहा है वो लाइक दिस। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन होती है पी आई इज इक्वल टू एच स्क्वायर टाइम्स ऑफ द पी कॉपर लॉस एट फुल लोड। हियर वी कैन फाइंड द एक्स, पी आई इज इक्वल टू पी कॉपर लॉस एट फुल लोड एंड इट इज वी हैव फाइंड इट इज 4.12। इट इज दिस इज 0.696। सो एफिशिएंसी इज एक्स इनटू V2 इनटू कॉस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स इनटू V2 इनटू कॉस फाइव पी आयरन प्लस एच स्क्वायर टाइम्स ऑफ द पी कॉपर लॉस एट फुल लोड। सो इट इज एक्स वी हैव फाइंड, इट इज 0.696 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.696 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 1। इट इज 4.12 प्लस मैक्सिमम एफिशिएंसी हैविंग पाई आयरन इज इक्वल्स टू पी कॉपर लॉस, इट इज 4.12। एफिशिएंसी इज 96.2%। सो इट इज 96.2%। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑन द गेट।
कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जो वोल्टेज रेगुलेशन के साथ मिक्स होकर आए, तो एफिशिएंसी कुछ न्यूमेरिकल और रह गए हैं जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो अपन वोल्टेज रेगुलेशन के साथ में इसको लर्न करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वेबसाइट से जुड़े रहिए और इसको क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, जय हिंद।